हेलो अभूबा, वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने सी प्रोग्राम को या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कैसे किसी बाहरी सॉफ्टवेयर के बिना भी बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। सिंपल छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सी के प्रोग्राम चलाने के लिए किसी भी दूसरी आईडीई की जरूरत नहीं होगी। बहुत लोग सी के प्रोग्राम चलाते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में या डेव सी में या फिर कोड ब्लॉक्स में, बट अगर आपने ये छोटा सा काम कर लिया तो आपको फिर दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं होना होगा। इसको चलाने के लिए, मतलब हमारे सी के प्रोग्राम को चलाने के लिए, हमको फिर कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा ही हम उसको चला सकते हैं। मतलब हमें बाहर का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बस छोटा सा सॉफ्टवेयर हमारा ये काम कर देता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना ये होगा कि अपने ब्राउजर पर जाना होगा और वहां पर आपको सर्च करना होगा ये चीज, MinW मिनिमलिस्ट JNU फॉर विंडोज GNU। जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो पहली हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी sourceforge.net वाली। इस पर हम जाएंगे और फिर हमें यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन दिखेगा इस वेबसाइट पर। ये हमारा डाउनलोड का बटन है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास वो फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, बट आप डाउनलोड करेंगे तो कोई एरर नहीं आने वाली है उसके अंदर। वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आप अपने फोटो को टैली भी कर लीजिएगा, जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस वीडियो से उसको मिला लीजिएगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो जहां पर ये डाउनलोड होगा हमें वहां पर जाना होगा। मैं जो है लोकल डिस्क ई में डाउनलोड करता हूँ, तो इसलिए मैं वहां पर गया हुआ हूँ। आपके यहाँ जिस भी फोल्डर में डाउनलोड होता है आपको वो फोल्डर खोलना होगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है मिंग डब्ल्यू गेट सेटअप, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल में मैंने अभी सारे ऑप्शन चेक कर रखे हैं, आप चाहें तो कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ अनचेक भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, मेरे इसमें ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर रीइंस्टॉल करूंगा। बट अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। मैं रीइंस्टॉल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो प्रोसेस चलेगी अब ये खुद ही प्रोसेस करेगा और ये खुद ही इंस्टॉल कर देगा। इसमें जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब हमारे इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में हम MinW32GCC G++ को यहाँ पर राइट क्लिक करके कर देंगे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। मेरे इसमें ऑप्शन ऑलरेडी डिसेबल्ड आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। यदि आपके इसमें आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपके इसमें ऑन आएगा, तो आपको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट होने के बाद में आपको जाना इंस्टॉलेशन ऑप्शन पर, और यहाँ पर करना अप्लाई चेंजेस। ये ऑप्शन भी आपके इसमें ऑन मिलेगा आपको, तो आपको अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका MinW इंस्टॉल हो जाएगा, और जहाँ ये इंस्टॉल हुआ है उस ड्राइव में आपको जाना होगा। मैं यहाँ पर इंस्टॉल मैंने करा था सी ड्राइव के अंदर MinW वाले फोल्डर में। आपने जहाँ भी इंस्टॉल करा होगा वहाँ पर MinW आपको मिल जाएगा। इसमें अब हम जाएंगे बिन वाले फोल्डर में। हमें दो फाइलों का काम होगा यहाँ पर, GCC और G++। ये फाइल अगर आ गई है तो आप इजीली अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो आपको ये करना होगा कि आपको नोटपैड में या फिर नोटपैड प्लस प्लस जो आप चाहें, नोटपैड हमारे कंप्यूटर के साथ बाय डिफॉल्ट आता है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ। इसमें जाकर आपको एक अपना प्रोग्राम बना लेना होगा। मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है। इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद में आपको इसे वहीं सेव करना है जहां पर आपने MinW को इंस्टॉल कर रखा है। मैंने इसे ऑलरेडी वहीं पर सेव कर रखा है, फिर से मैं सेव कर देता हूं। और यहां पर test.c नाम से करा है मैंने, डॉट सी लगाना जरूरी क्योंकि सी का प्रोग्राम है ये, तो test.c करके सेव कर देता हूं इसे, रिप्लेस। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो उस ड्राइव में जाकर सेव हो चुका है। ये आ गया हमारा प्रोग्राम। इसे अब रन करने के लिए हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। कमांड प्रॉम्प्ट को चलाने का सीधा सा तरीका, विंडोज आर, फिर इसमें लिखेंगे CMD। CMD में अब हम उस फोल्डर में जाएंगे जहां पर हमारा प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने। ये ड्राइव के अंदर हम जाएंगे MinW में। MinW में अब हम जाएंगे बिन में। बिन में जाकर अब हमें क्या लिखना है, तो अब हमें लिखना है GCC, फिर अपनी फाइल का नाम जो हमारी फाइल थी, फिर -o, ये हर किसी में कॉमन रहेगा GCC फाइल का नाम, और -o, फिर स्पेस देकर आप जो भी अपना
अपने सॉफ्टवेयर का नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ दे रहा हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर फाइल .exe, .exe लगाना कंपलसरी क्योंकि आप उसका सॉफ्टवेयर या एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने वाले हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंटर प्रेस करा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आई है, कमांड प्रॉपर चल गई है, मतलब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और उसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर होती तो यहाँ पर शो कर देते। तो एक तरह से आपने अपना प्रोग्राम कंपाइल करके एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे हमारे इसी फोल्डर में, तो आप देखेंगे फर्स्ट फाइल नाम से एक फाइल बन गई होगी आपका, एक सॉफ्टवेयर, ये बन गया हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर। तो इसे अब आप पेन ड्राइव में किसी और को भी दे सकते हैं। अब हम इसे रन करने के लिए ओपन करेंगे। जैसे हमने ओपन करा है तो हमारा आउटपुट हमें शो हो रहा है। ये हमने लिखा था हमारे प्रोग्राम में, दिस इज टेस्टिंग ऑफ मेन वैल्यू। तो ये आपका प्रोग्राम रन हो चुका है और एक सॉफ्टवेयर भी बन चुका है। ऐसे आप आसानी से बिना किसी आईडीई के अपने प्रोग्राम को नोटपैड में बनाइए, कमांड प्रॉम्प्ट में उसका सॉफ्टवेयर बना दीजिए और फिर किसी को भी आप पेन ड्राइव में दे सकते हैं। होप आपको इस वीडियो में बहुत समझ में आया होगा और हेल्प भी मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।